देखिए बहुत खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और आज एक रेस्क्यू कॉल पे आया हूँ बालघाट में भैया अजरुद्दीन के घर। यहाँ पे एक नीम के पेड़ में, जो सामने नीम का पेड़ है, इसमें एक बहुत बड़ा कोबरा बैठा है चढ़ के। तो दिखाई कैसे दिया था आपको? यहाँ या पटिया पे उतर के आया था। तो आ जाओ उसको पकड़ते हैं। देखो कहाँ चढ़ के बैठा है। ये देखो, ये यार नजर अच्छी भाई साहब, जो नजर अच्छी, जो हाथ पड़ गो बड़ा बहुत है। मुंह का दरा है इसका, एरिया नीचे की साइड फनोर कट रहा है क्या? हाँ देखिए दोस्तों, कितना बड़ा हो रहा है यार। ऊपर देखो चाचा, वो देखो पानी, ऊपर देखो देखिए बहुत खतरनाक। ये तो नज़र पड़ गया अनथा, ये यहाँ इधर उधर उतर के और घर में नाइट में किसी का पैर वेर पड़ जाता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से ये इस नीम के पेड़ में लिपट के बैठा है, बहुत बड़ा कोबरा है। और ये इधर की साइड, ये देखिए, ये इसने फन भी निकाला हुआ है। लाइट है का? है। लाइट है? अरे ये ना पे ये जा रहा है। अच्छा ये ही है ना? ये नहीं, ये तो डोरी। तुरंत थोड़ी सी भी इसको टच किया और नाग महाराज गुस्से में। नीचे की साइड अगर आप देखियो, नीचे साइड है। ए उधर उधर, ये इधर है यार, अब दिखाई दी कर दिया। किधर गया? ऊपर ऊपर गया, ऊपर चढ़ गया। एरिया नहीं पकड़ लिया। आरा बात कर रही पर वो नहीं है, ऊपर जा रहा है। गाला साफ है तुम्हारी तरफ छुपा रहा है। मोटा भी नहीं, कैसे स्टिक छड़ी छड़ी जख्मी हो गया यार? नहीं है, ऊपर जा रहा है, पकड़ो। राजू आवाज आ रही है? देख लिया आपको राजू? चाची से मोबाइल ला सके तू? ला दे तो ले ही, तो ले ही। पकड़े काली कौन? आ गए।
अब तो पकड़ लेगा। अब तो मजाक नहीं है, अब मजाक नहीं पकड़नी है। जाके मारे तो भैंस ने साकल तोड़ दी छोड़ वाले में, बल्दे रखे बल्दे रखे तभी तो बात है। अरे कोई दिक्कत नहीं, दूर हो जा, दूर ऐसे नहीं दोस्तों, ये बहुत खतरनाक और जहरीला सांप कोबरा है जो भारत के चार सबसे खतरनाक जहरीले सांपों में आता है, और इसके काटने पर इंसान 2-2.5 घंटे तक ही जीवित रह पाता है। अगर हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके बचने के चांस 99% हो जाते हैं। अगर हम झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सांप इतना डरावना है, और इसका डरावना होने का कारण है ना, वो इसकी फुफकार है। ये देखिए, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं इसकी फुफकार देख के। अब ये पेड़ में था, इन लोगों को नज़र आ गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये दिन में या नाइट में उतर के घर में ही आता, और थोड़ा सा भी अंधेरे में अगर इधर उधर निकलते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वेनम इंजेक्ट करता है। अभी ये यहाँ पे चल दिया है पेड़ के अंदर।